आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जिसे हम आए दिन हर रोज देखते हैं, ये काफी सेंसलेस, इलॉजिकल और चूतिए होते हैं, इंडियन एड्स के बारे में। तो आइए पहले शुरू करते हैं पान मसाला के एड्स से। तो एड्स के अनुसार अगर तुम्हारे पास पान मसाला है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में है, अगर तुम्हारे पास पान मसाला है तो वही एक सच्चे मर्द की पहचान है, और अगर तुम्हारे पास पान मसाला है तो तुम्हारे पास लड़की भी है। हाँ है, ये देखो। हेलो चले मुसली के गुटका थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। अरे ये तो पान मसाला डिगर निकली, जब तक लौंडे के पास पान मसाला था वो चीज जैसे पान मसाला खत्म हो गया गायब हो गई, और ऐसे लड़की पटती है। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो नहीं आई का, तुमने ये तो सुना होगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए, लेकिन क्या तुमने कभी ये सुना है कि उनके यहाँ पे आचार ही खत्म हो गया हो? हाँ आचार, आचार खत्म, आचार खत्म, ओ माय गॉड। दे रही है दस्तक आपके दहलीज पर। मेरा बबलू रामू काका। ओ माय गॉड, अचार खत्म हो गया। इनके हिसाब से तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। लौड़ा तुम हर बार फिजिक्स की मारने में क्यों लगे रहते हो? फोटो एडिटर्स फोटो में मारते हैं, एड्स वाले तुम एड्स में मार रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ इसरो और नासा वालों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, असली टैलेंट इनके पास है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। अब हम बात करेंगे पॉइजन के एड्स के बारे में, सेंट के एड्स के बारे में। पहले अश्लीलता सिर्फ मूवीज में दिखाई देती थी जो घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे, अब एड्स में भी दिखाई जा रही है। ये देखिए। डॉक्टर मेरे दांत में दर्द है। डॉक्टर तुम हो क्या? मैं सांस लो, ऐसे नहीं, ऐसे Zatac Perfume Deals, just Zatac। ये पूरी अश्लीलता शुरू होती है सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है ये एक चूतिया सेंट। तुम सेंट मारोगे तुमसे लड़की पट जाएगी, तुम सेंट मारोगे वो डॉक्टर से सविता भाभी बन जाएगी। इन्हें पता चल गया कि ये देश में इतने सिंगल लौंडे हैं कि उन्हें लगेगा कि ये सेंट खरीदने से लड़कियां पट जाएगी। पान मसाला में लड़की, सेंट में लड़की, हर जगह ठरक भोसड़ी के। तुमसे तुम्हारी दोस्त नहीं पूछती कि कौन सा सेंट लगाया है, तुम्हें क्या लगता है ये सेंट लगाने से कोई बाहर वाला तुम्हें पूछेगा ओरियो के लिए? बेसबर भाड़ को ऐसे ही होगा, अब तुम्हें वी गार्ड की जरूरत नहीं, एल गार्ड की जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे ड्रीम 11 के बारे में। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। बट ऑफ व्हेन यू गो गेव मी जस्ट अ